नमस्कार दोस्तों, हम एक नई वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए, जो कि है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड से, जो गवर्नमेंट इंडिया के अंडर में आता है। तो इससे जुड़ी कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, किस किस पोस्ट पे निकली हुई है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो सब, और क्या पे स्केल, क्या फीस होने वाला है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसमें। तो आप लोग इस पे हमारे साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों, और फिर हम बात, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांग रखा है डायरेक्टर लेवल्स के लिए, उसको हम छोड़ देते हैं। हम आते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे इन्होंने मांग रखा है डिप्लोमा या आईटीआई बेस पे, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो ये इन्होंने नीचे पे मांग रखा है प्रोग्रामर वगैरह की भी, इसमें वैकेंसीज़ हैं, उनके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो वो लोग इसमें देख सकते हैं, अपनी वैकेंसीज़ को खोज सकते हैं। और उसके बाद जो इसमें फील्ड ऑफिसर वगैरह की भी वैकेंसी है, जिसमें इंटरमीडिएट या 12th स्टैंडर्ड पास लेवल के लोगों के लिए है, जो कि मैं यहाँ पे दिखा देना चाहूँगा, ये फील्ड ऑफिसर की है, जिसमें इंटरमीडिएट 12th स्टैंडर्ड पास विद साइंस एंड डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन एग्रीकल्चर, तो या फिर उससे इक्वलेंट कोई डिग्री होने पर उनको यहाँ पर दिया जाएगा। और बैचलर डिग्री वालों के लिए भी है, जो बैचलर डिग्री जिनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन साइंस में है, उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी दी गई है, जिसको मैं मार्क कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद इसे इसका नोटिफिकेशन पाने के लिए आप लोग दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन में, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसको आप लोग देख सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा इस वैकेंसी के बारे में, जहाँ से आप फॉर्म भर पाएंगे। और हिंदी टाइपिस्ट के लिए भी इसमें वैकेंसी है, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, यहाँ हिंदी टाइपिस्ट के लिए, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए, और लैब असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने दे रखा है, जिसमें इन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास इक्वलेंट, और उसके बाद रिकॉग्नाइज बोर्ड से, और फिर टाइपिंग स्पीड जो 30 वर्ड पर मिनट्स है वो है। तो ये आप लोग की प्रेस है जो, वो उसके हिसाब से ये वर्ड को मतलब आपको गिनेंगे। और उसके बाद बैचलर डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो वो और ज़्यादा उसको वरीयता देंगे। और फिर यहाँ पे ये इसके बारे में अभी बात चल रही थी, और बाद में इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो हम, तो ये आपके लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए उसमें है पास इन हायर सेकेंडरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंस्टीट्यूट एंड अ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, जो कि सेम ही है। और फिर लैब असिस्टेंट के लिए इन्होंने 12th स्टैंडर्ड पास मांग रखा है, आईटीआई सर्टिफिकेट मांग रखा है इन्होंने, सॉरी कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स होगा लैब टेक्नीशियन के लिए तो वो माना जाएगा। और उसके बाद 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिप्यूटेड गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन में, जिसमें आप लोग माइक्रोबायोलॉजिकल लैब या केमिकल लैब में आपने काम किया हो। तो ये इनका ये रहा है आज का नोटिस। और उसके बाद नीचे बात कर लेते हैं, इसमें जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है 300 रुपये का फीस। और उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ये SC ST वालों के लिए जो है, उसके लिए इन्होंने अपना कुछ एज रिलैक्सेशन वगैरह दे रखा है, उसके बारे में भी यहाँ पे है। और जो आपका ये डेट आया था इसका फॉर्म फिलिंग का, वो 25 तारीख का था, 25 नवंबर। और बाकी इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर इसके बारे में हम ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।